तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड ट्रेडर्स में। तो गाइस, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड Q1 2021-22 का रिजल्ट आ गया है। चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी खबर सबसे पहले जान सकें। चलिए बिना देरी करे सीधा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। गाइस, जो रिजल्ट है वो करोड़ में दिया गया है, जो इसमें फर्स्ट कॉलम है उसमें हम देख सकते हैं कि इस क्वार्टर का रिजल्ट है। जो सेकंड कॉलम है उसमें हमें लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया गया है, और जो थर्ड कॉलम है उसमें हमें लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की रिवेन्यूज जनरेशन की। कंपनी को इस क्वार्टर में ऑपरेशन से जो रिवेन्यूज जनरेट हुआ है वो है 1352.61 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में होता है 1998.51 करोड़, और लास्ट ईयर होता 1335.18 करोड़। अगर हम बात करते हैं कंपनी की अदर इनकम की, तो कंपनी को इस क्वार्टर में 4.93 करोड़ का इनकम जनरेट हुई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुई थी 9.29 करोड़ की, और लास्ट ईयर थी 2.22 करोड़ की। अगर हम कंपनी की टोटल इनकम की बात करते हैं, जो सम होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम का, तो कंपनी की इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम जनरेट हुई है वो है 1357.54 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुई थी 2007.8 करोड़, और लास्ट ईयर हुई थी 1337.4 करोड़। जैसे कि आप देख सकते हैं, कंपनी की जो टोटल इनकम जनरेट हुई है इस क्वार्टर में वो लास्ट क्वार्टर से काफ़ी कम है, पर अगर हम उसको लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस की, तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस है इस क्वार्टर में वो है 1407.2 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1898.4 करोड़, और लास्ट ईयर थे 1390.2 करोड़। अगर हम बात कर लेते हैं अब कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉस की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स लॉस बिफोर पेइंग द टैक्स। कंपनी जो इस क्वार्टर में 49.72 करोड़ का लॉस हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ था 109.4 करोड़ का, और लास्ट ईयर भी कंपनी को लॉस हुआ था 52.8 करोड़ का। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉस आफ्टर पेइंग द टैक्स, कंपनी की जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है आफ्टर पेइंग टैक्स, वो इस क्वार्टर में है 49.79 करोड़ लॉस में, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 78.97 करोड़ का प्रॉफिट, और लास्ट ईयर भी कंपनी को लॉस हुआ था 53.84 करोड़ का। अब अगर हम अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालते हैं, तो कंपनी के इस क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर भी गिरे हैं 0.45 रुपीज़ से, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1.02 रुपीज़ की बढ़ोतरी पे, और लास्ट ईयर भी कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर गिरे थे 0.48 रुपीज़ पे। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबर सबसे पहले प्राप्त कर सकें।